अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। तो आज हम चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे, विच इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। तो सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को देख लेते हैं जो इस लेसन में हम आज स्टडी करेंगे। तो टॉपिक्स हमारे हैं, व्हाट इज अ मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस, और एंड पे फिर हम एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज अ मैट्रिक्स? सपोज आपके पास कुछ नंबर्स हों, 0, 1, 2, 9, 6 एंड 4, और अगर आप इन नंबर्स को अरेंज करें, और अगर हम इन नंबर्स को इस तरह अरेंज करें एक टेबल की फॉर्म में, लाइक 0, 6, 2, 9, 4 एंड 1, यहां पे जैसे आप देख सकते हैं कि हमने नंबर्स को हॉरिजॉन्टल वे में और वर्टिकल वे में अरेंज कर दिया है। तो नंबर्स की इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर अरे। तो अगर इस अरेंजमेंट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज कर दें लाइक दिस, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। तो मैट्रिक्स में हम नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। सो अ मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स इंक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। फॉर एग्जाम्पल 2503 इज अ मैट्रिक्स, क्योंकि यहां पे हमने नंबर्स 250 और 3 को रेक्टेंगुलर फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। इसी तरह 751 296 4 -68, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में हम नंबर्स को हॉरिजॉन्टल वे और वर्टिकल वे में लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो मैट्रिसेस को हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। इस तरह के फर्स्ट मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं दिस इज अवर मैट्रिक्स ए, एंड सेकंड मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स बी। और यहां पे ये जो नंबर्स हैं जो मैट्रिक्स के अंदर लिखे जाते हैं, ये नंबर्स उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या एंट्रीज कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इन मैट्रिक्स ए, हियर 3 इज एन एलिमेंट और एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए। उसी तरह मैट्रिक्स बी में सपोज -6 एक एलिमेंट या एंट्री है। सो मैट्रिक्स में हम नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और मैट्रिक्स का जितने भी नंबर्स जो मैट्रिक्स को लिखने के लिए यूज होते हैं वो उस मैट्रिक्स की एंट्रीज या एलिमेंट्स कहलाते हैं। रोज एंड कॉलम्स, जैसे कि अभी हमने देखा कि मैट्रिक्स के अंदर हम नंबर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में लिखते हैं। जिस तरह के यहाँ पे मैट्रिक्स ए में हम देख सकते हैं कि हमने 1, 2, 0, 3, 5, 4, 2, 1, -1, तो ये हॉरिजॉन्टल वे है नंबर को लिखने का। तो इस हॉरिजॉन्टल वे ऑफ नंबर्स को हम रोज कहते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 0 ये एक रो है, सपोज ये रो 1 है। इस तरह 3, 5, 4 ये भी एक रो है मैट्रिक्स ए की। 2, 1, -1 एक रो है मैट्रिक्स की, दिस इज थर्ड रो। तो इस मैट्रिक्स ए के अंदर 3 रोज हैं, R1, R2, R3। इस तरह अगर हम मैट्रिक्स बी को देखें तो यहां पे भी हमने नंबर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेज में लिखा है। तो जो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स की, जिस तरह के यहाँ पे 2, 0, 3, 3, 1, 2, 5, -1, 1, इस वर्टिकल वे में जब नंबर्स लिखे जाते हैं इसको हम मैट्रिक्स के कॉलम्स कहते हैं। तो यहाँ पे 2, 0, 3, 3, 1, 2, 5, -1, 1,
तो ये तीनों कॉलम्स हैं मैट्रिक्स बी के. तो 203 इज फर्स्ट कॉलम, 312 इज सेकंड कॉलम एंड 5-11 इज द थर्ड कॉलम. तो मैट्रिक्स बी में थ्री कॉलम्स हैं. तो इन टोटल मैट्रिक्स ए के अंदर थ्री रोज थी और थ्री कॉलम्स थे. इसी तरह मैट्रिक्स बी में अगर हम रोज को देखें तो 2, 3, 5 एक रो है, 0, 1, -1 एक रो है, 3, 2, 1 एक रो है. तो मैट्रिक्स बी में भी थ्री रोज और थ्री कॉलम्स हैं. सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं ये उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिटरमिन करते हैं. तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए हमें उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पता होने चाहिए. फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए में यहाँ पे 1, 2, 0 एक रो है, 3, 5, 4 एक रो है, 2, 1, -1 एक रो है. तो यहाँ पे थ्री रोज हैं. सो नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए इज थ्री. और अगर हम कॉलम्स को देखें तो 1, 3, 2 एक कॉलम है, 2, 5, 1 एक कॉलम है, 0, 4, -1 एक कॉलम है. तो यहाँ पे थ्री कॉलम्स हैं. तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज थ्री. सो ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स ए का, विच इज नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3 by 3. इस तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स है 3, 7, 9, 6, 0, 7. तो मैट्रिक्स बी में 3, 7, 9 फर्स्ट रो है, 6, 0, 7 सेकेंड रो है. सो द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी इज 2. तो यहाँ पे 3, 6 फर्स्ट कॉलम है मैट्रिक्स का, 7, 0 सेकेंड कॉलम है, 9, 7 थर्ड कॉलम है. तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 3 है. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी विल बी इक्वल टू 2 by 3. इक्वल मैट्रिसेस, तो अब हम देखेंगे कि दो मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, यानी दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं. सो टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दे सेटिस्फाई दीज टू कंडीशंस. नंबर वन, दे हैव द सेम ऑर्डर्स एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. तो कोई भी दो मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए पहली बात तो ये है कि उनके मैट्रिसेस, पहली बात तो ये है कि उनके ऑर्डर्स सेम होने चाहिए. इट मींस उनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए और फिर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दो मैट्रिसेस ले लेते हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी. अब मैट्रिक्स ए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 2 by 2. मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2 by 2 है. यहाँ पे ये 2+1 ये एक एलिमेंट है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है, दो एलिमेंट्स अलग अलग नहीं है. 2+1 एक एलिमेंट है, 4-2 भी एक एलिमेंट है. इस तरह बी का ऑर्डर भी 2 by 2 है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों के ऑर्डर सेम हो गए 2 by 2. इस तरह अगर हम इन एंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे 1 = 1, 3 = 2+1, -4 = -4 एंड 2 = 4-2. तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या एंट्रीज भी इक्वल हैं. तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ए एंड बी मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस. सो ए इज इक्वल टू बी. इसी तरह अब हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं पी एंड क्यू. सो पी का ऑर्डर है 2 by 2, जबकि क्यू का ऑर्डर है 2 by 3, क्योंकि यहाँ पे 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं. चूंकि इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम नहीं है, एक 2 by 2 का है और एक 2 by 3 का है, तो ये P और Q मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे. सो P एंड Q आर नॉट इक्वल. सो कोई से भी दो मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए उनके ऑर्डर्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी है. अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, विच इज एक्सरसाइज 1.1. वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. तो यहाँ पे हमें A टू H डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमने इन तमाम मैट्रिसेस के ऑर्डर्स को लिखना है. तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए आप रिकॉल करें जो अभी हमने डिस्कस किया था. ऑर्डर लिखने के लिए हमें उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना होता है. फॉर एग्जांपल इन मैट्रिक्स ए 2, 3 एक रो है,
माइनस फाइव सिक्स सेकेंड रो है इस मैट्रिक्स की, तो यहाँ पे टू रोज हैं, टू माइनस फाइव फर्स्ट कॉलम है, थ्री सिक्स सेकेंड कॉलम है, तो यहाँ पे टू रोज हैं, टू कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी टू बाय टू। तो ऑर्डर में सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। इसी तरह बी में टू रोज और टू कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी टू बाय टू होगा। सी में वन रो है टू फोर एंड टू कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम में टू एलिमेंट है, सेकंड कॉलम में फोर एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे वन रो और टू कॉलम्स हैं, तो सी का ऑर्डर होगा वन बाय टू। मैट्रिक्स डी में थ्री रोज हैं और वन कॉलम है, तो ऑर्डर है थ्री बाय वन। मैट्रिक्स ई में यहाँ पे ए डी फर्स्ट रो है, बी ई सेकेंड रो है, सी एफ थर्ड रो है, तो थ्री रोज हैं, और कॉलम्स में ए बी सी फर्स्ट कॉलम है, डी ई एफ सेकेंड कॉलम है, तो ई में थ्री रोज और टू कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर है थ्री बाय टू। मैट्रिक्स एफ में एक रो और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा वन बाय वन। मैट्रिक्स जी में वी हैव थ्री रोज एंड थ्री कॉलम, सो द ऑर्डर इज थ्री बाय थ्री। और मैट्रिक्स एच में टू रोज और थ्री कॉलम्स हैं, सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एच इज टू बाय थ्री। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो यहां पे अगेन हमें ए टू एच डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमने बताना है कि इनमें कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैट्रिक्स ए को देखें तो ए का जो ऑर्डर है दैट इज वन बाय वन, सो वी हैव टू लुक फॉर अनदर मैट्रिक्स विच हैज द सेम ऑर्डर ऑफ वन बाय वन। अब और कौन सा मैट्रिक्स है जो वन बाय वन ऑर्डर का है, जिसमें एक रो और एक ही कॉलम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सी को अगर हम देखें, फाइव माइनस टू ये जस्ट एक एंट्री है, एक एलिमेंट है, तो सी का ऑर्डर भी है वन बाय वन, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इनके सेम है, मतलब ए में थ्री और सी में फाइव माइनस टू ये सेम है, सो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी जो है ये आपस में इक्वल है, सो ए एंड सी आर इक्वल। इसी तरह अगर हम बी को देखें तो बी का ऑर्डर है वन बाय टू, और यहाँ पे कोई और मैट्रिक्स वन बाय टू ऑर्डर का अगर हम देखें तो वो हमारे पास आई है विद एलिमेंट्स थ्री एंड थ्री प्लस टू, तो बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक कर लें, लाइक थ्री इज इक्वल टू थ्री एंड फाइव इज इक्वल टू थ्री प्लस टू, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी यहाँ पे इक्वल हैं बी और आई में, सो मैट्रिसेस बी एंड आई आर इक्वल, सो बी इज इक्वल टू आई। इस तरह अगर हम डी को देखें तो डी है यहाँ पे, इसका ऑर्डर है वन बाय टू, और कोई मैट्रिक्स जो वन बाय टू का हो तो वो था आई था, वो बी था, लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। इस तरह ई को अगर हम देखें तो ई मैट्रिक्स है फोर जीरो सिक्स टू, टू बाय टू का एक मैट्रिक्स है, तो टू बाय टू के मेरे पास दो और मैट्रिसेस हैं एच एंड जे। अगर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देख लें तो ई और एच में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तो ई और एच इक्वल हैं। इस तरह जे में भी टू प्लस टू इज फोर, टू माइनस टू इज जीरो, टू प्लस फोर इज सिक्स, टू प्लस जीरो इज टू, तो ये भी फोर जीरो सिक्स टू है, तो यहाँ पे ई एच और जे ये तीनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, सो ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे। और इस तरह अगर हम एफ मैट्रिक्स को देखें तो ये टू बाय वन का एक मैट्रिक्स है, और यहाँ पे जी मैट्रिक्स जो है ये भी टू बाय वन का है, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स टू इज इक्वल टू थ्री माइनस वन सेम है, सिक्स एंड थ्री प्लस थ्री ये भी सेम है, सो एफ एंड जी मैट्रिसेस भी यहाँ पे इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, यानी इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मैट्रिसेस हैं, तो इस इक्वेशन को हमने अननोन्स ए बी सी डी के लिए सॉल्व करना है।
तो क्योंकि ये मैट्रिसेस ऑलरेडी इक्वल हैं, तो अगर हम इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को यूज करें तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे ए प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ए प्लस सी फर्स्ट एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स का, और इसी तरह जीरो जो है फर्स्ट एंट्री है राइट मैट्रिक्स का। तो ये दोनों फर्स्ट एंट्री सेम होनी चाहिए। इट मीन्स ए प्लस सी शुड बी इक्वल टू जीरो, ए प्लस टू बी मस्ट बी इक्वल टू माइनस सेवन, सी माइनस वन मस्ट बी इक्वल टू थ्री, एंड फोर डी माइनस सिक्स मस्ट बी इक्वल टू टू डी। तो इस तरह हमारे पास फोर इक्वेशंस बन जाती हैं, और अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे टू फाइंड ए बी सी एंड डी। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं ये लास्ट इक्वेशन से, 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू डी। तो इस इक्वेशन को हम इजिली d के लिए सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4d माइनस टू डी इज इक्वल टू सिक्स। यहाँ पे हमने 2d को लेफ्ट मूव किया है और माइनस सिक्स को हमने राइट मूव किया है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2d इज इक्वल टू सिक्स एंड d इज इक्वल टू सिक्स बाई टू विच इज थ्री। इस तरह अब हम सॉल्व करते हैं c माइनस वन इज इक्वल टू थ्री को। c इज इक्वल टू वन प्लस थ्री, तो यहाँ माइनस वन को हमने राइट मूव किया है, तो c इज इक्वल टू फोर। अब c की वैल्यू हमें मिल चुकी है, इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो a प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो a इज इक्वल टू माइनस फोर। तो a की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन a प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन में सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास माइनस फोर प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन आता है। तो यहाँ हम b के लिए सॉल्व करेंगे तो 2b इज इक्वल टू माइनस सेवन प्लस फोर, सो 2b इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड b इज इक्वल टू माइनस थ्री ओवर टू। इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने इजिली मैट्रिसेस की के इक्वल होने को यूज करके मैट्रिसेस के इक्वल होने को यूज करके हमने ये अननोन्स फाइंड किए a b c एंड d। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टूडेज लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन यूजफुल लगा होगा। तो इस लेसन के ऊपर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई आपके माइंड में क्वेश्चंस हों, सजेशंस हों, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उनको लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्द हो सके उनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करूँ। सो अंटिल नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।